अब विसर्जन करने में आपका वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटा में वो मूर्ति गल जाती है, यही इसका मेन अक्सर है। तो और जो है ये जो बनती है पूरा प्राकृतिक चीज से बनती है, लकड़ी बांस मट्टी जो है सब प्राकृतिक है। नमस्कार, IBC 24 के डिजिटल प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूँ शशिकांत शर्मा। हम आज खरगोन में एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना चाहेंगे जो करीब 1600 किलोमीटर दूर से जो है खरगोन में यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करने आए हैं, और अब हम जो है उन्हीं के पास ले चलते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल से जो है यहाँ पर कलाकार पहुँचे हैं, और आप देख सकते हैं ये तमाम प्रकार की इसमें जो है मूर्तियाँ गणेश भगवान की, साथ साथ में दुर्गा जो है दुर्गा माता की भी यहाँ पर मूर्तियाँ मिट्टी की बनाई जा रही है। खास बात यह है कि ये सब पूरी जो है ये मिट्टी से निर्मित की जा रही मूर्तियाँ, और इसके लिए जो है एक पश्चिम बंगाल से जो है ये गंगा मिट्टी लाई गई है। ये आप देख सकते हैं ये पश्चिम बंगाल से जो है ये गंगा मिट्टी इसको कहते हैं, ये मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है बल्कि ये पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से ये जो उसको मिट्टी लाते हैं और मिट्टी से जो है ये मूर्तियाँ बनाई जाती है। ये मिट्टी का क्या महत्व है, जैसे आप पश्चिम बंगाल से मिट्टी लेके आते हैं? यहाँ पे मिलती नहीं है इसलिए कलकत्ता से मंगाना पड़ती है। तो यहाँ की मिट्टी क्यों नहीं काम आ रही है? यहाँ का मिट्टी जो है वो कड़क हो जाती है, इतनी है टाइट है, इसलिए कलकत्ता का मिट्टी मंगाना पड़ती है। तो इस मिट्टी कैसे मंगाते हैं? अभी 1600 किलोमीटर दूर है वो, ट्रांसपोर्ट से आती है। ट्रांसपोर्ट से आती है, हाँ। तो इसमें खर्चा भी लग जाता होगा? हाँ, खर्चा भी तो है। तो ये मतलब मिट्टी की खासियत क्या है इसकी, मूर्ति बनाने में इसको क्या खासियत लगती है? इसको खासियत शुद्ध है, मिट्टी का काम है और POP का काम से ये काम इतनी है, इसलिए मिट्टी मंगाई जाती है। क्या नाम लिखते हो आप? हमारा खोकन पाल है। ये थे पाल जी, जिनका कहना है कि मूर्ति कलाकार हैं, और आप ये देख सकते हैं ये जो है अब हाथ भी जो है उन्होंने मिट्टी से जो है माता जी की मूर्ति बना रहे हैं, दुर्गा जी की मूर्ति बना रहे हैं, और हाथ भी इसमें जोड़ा है। आप ये देख सकते हैं तमाम प्रकार की जो है इसमें आपको मूर्तियां नज़र आ रही होगी, और ये इसकी खासियत ये है कि ये सब पूरी जो है मिट्टी की जो है बनी हुई है, और इसमें जो चारा जो लगा हुआ है वो मध्य प्रदेश के बैतूल से इसमें मंगाया जाता है। अब हम जो है इसमें और भी इसमें कारीगरी इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें मूर्तियों को जो है कलर किया जा रहा है, और एक आकर्षक रंग देकर जो है मूर्तियां जो है डिजाइन की जा रही है। भगवान गणेश की मूर्ति आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है कलाकार जो है तापस कुमार पाल जो है ये बंगाल से यहाँ पर 1600 किलोमीटर दूर से खरगोन पहुँचे और मूर्तियों को जो है एक आकार दे रहे हैं, उसमें अब डिजाइन जो है उसमें रंग देकर जो है मूर्तियों को उसमें मूर्तियों की जो है एक स्थापित जो है स्थापना करने के लिए मूर्तियों को अब जो है तैयार किया जा रहा है। हमारे साथ में खुद कलाकार तापस कुमार जी, जी क्या कहना चाहेंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो है मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है? खड़े हो गए। यहाँ जो है मिट्टी का मूर्ति इसीलिए निर्माण करने जा रहा है, जो मिट्टी मूर्ति सबसे फायदा जो है ये असली धरती माँ की पूजा होती है मेन चीज। दूसरी चीज़ जो है मूर्ति बैठने के बाद जो विसर्जन करने जाता है वो पानी में जब फेंके विसर्जन करेगी, अब विसर्जन करने में आपका वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटा में वो मूर्ति गल जाती है, यही इसका मेन अक्सर है। तो और जो है ये जो बनती है पूरा प्राकृतिक चीज़ से बनती है, लकड़ी बांस मिट्टी जो है सब प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक चीज़ से मूर्ति जो बनती है इसका अच्छा शरीर का क्या होता है शुद्धता होती है। उसके बाद गंगा मिट्टी भी है इसमें, पालिश वुलिश के लिए लगाना पड़ता है। यहाँ का लोकल मिट्टी यूज़ करता है लेकिन वो थोड़ा पहली वाला ड्राफ्ट के लिए, लेकिन बाकी जो काम है वो आपका सभी हुई फिनिशिंग मिट्टी इंदौर से भी थोड़ा आया है, वो कलकत्ता से भी आया, कलकत्ता से 2 पकड़ मिट्टी आया, जो चिकनिट मिट्टी आता है उसमें वो कपड़ा सटाने के लिए होती है पॉलिश के लिए, और गंगा मिट्टी को लेप देना पड़ता है फिनिशिंग के लिए। इसमें जो चारा इसमें उपयोग किया जाता है वो बैतूल से बुलाते हैं, क्यों क्या कारण है इसमें मध्य प्रदेश के बैतूल से? अभी ये चारा जो है मान लीजिए यहाँ तो आके ढूंढने से मिला नहीं है, तो बैतूल से ही बंगाली लोग जो है ये लोग धान काटने का बाद वहाँ रखते हैं, जो बंगाली लोग आते हैं मूर्ति बनाने वाला तो वहीं मिलने का चांस रहता है, तो वहीं से आपको फ़ोन से जो व्यवस्थित करके लाया गया है।
तो कितनी मेहनत लगती है जिस प्रकार से जो है आप बंगाल में इसकी मूर्तियों की जो है कलाकृति के लिए बहुत जाना जाता है, देश भर में माता जी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, वहाँ पे आप गणेश जी की प्रतिमा भी बना रहे हैं, तो इसका जो है कितनी इसमें आपको जो है मेहनत लगती है इसमें? मेहनत तो इसमें बहुत ही है, खर्चा भी बहुत है इस मूर्ति में। हम लोग को देखिए सुबह 7 बजे से ड्यूटी चलती है, दोपहर 2:30 बजे तक, उसके बाद फिर 5 बजे से 1:30 बजे तक ड्यूटी चलती है। कितने लोग आपको काम करते हैं? हम 5 लोग हैं। हाँ, 5 लोग है, 5 लोग मिल के इतना ही मूर्ति बनाया, 30 गणेश जी बनाया और मान लीजिए 80-82 दुर्गा जी माता को बनाया, छोटा बड़ा मिल के सब रखा भाई। वो ये थे तापस कुमार पाल जी, जिनका कहना है कि POP की बजाय जो है उन्होंने मिट्टी की जो है प्रतिमाएं बनाना उचित समझा, और क्योंकि जिस प्रकार से इसकी शुद्धता रहती है और मिट्टी की जो है मूर्तियां जो है पूरे देश भर में प्रचलित है। आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है दुर्गा माता की मूर्तियाँ भी यहाँ पर तैयार की जा रही है। अब इसमें जो है कलर और रंग रोगन किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं अभी इधर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से यह गणेश जी की मूर्तियाँ भी जो है इसमें तैयार की जा रही है, ताकि जो है भगवान गणेश जी जो है इसमें उनकी स्थापना हो सके। पूरी ये जो है पूरी जो है ये मूर्तियाँ जितनी भी आप देख रहे हैं ये सब पूरी मिट्टी की बनी हुई है। और हम चारे की भी खासियत बताएंगे कि ये चारा जो है मध्य प्रदेश के बैतूल से मंगाया जाता है और ये एक ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है ये बंगाली कलाकार इसमें बुला रहे हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये जो है धान का चारा है और ये सिर्फ बैतूल में ही मिलता है। तो इसकी खासियत ये है कि ये इस चारे को जो है इसमें मिट्टी की मूर्तियों में इसमें उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बांस का उपयोग किया जाता है, गंगा मिट्टी जो है आप देख सकते हैं ये कलाकार जो है गंगा मिट्टी से उसको जो फिनिशिंग जो है मूर्तियों को दे रहे हैं, क्योंकि इसमें गंगा मिट्टी की कलकत्ता की जो मिट्टी की खासियत है कि उसमें जो है चिकनाहट रहती है और एक विशेष प्रकार की यह मिट्टी रहती है जिसका जो है मूर्तियों को जो है इसमें उपयोग में लाया जाता है। तमाम प्रकार की जो है एक से एक आकर्षक मूर्तियाँ जो है मिट्टी की बनाई जा रही है। इसमें इसकी खासियत यही है कि ये पूरी तरह से जो है मिट्टी की बनाई जाती है, ताकि ये जो मूर्तियों को जो है POP के बजाय लोग इसको मिट्टी की मूर्तियां जो है इसमें पसंद कर सके। शशिकांत शर्मा, IBC 24, खरगोन।